तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख चुके हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2015 का पशुधन प्रसार अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। ये इस उस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे, तो ये पेपर हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आज आपके सामने है, सेकंड पार्ट तभी आएगा जब तक इस वीडियो में 500 लाइक नहीं हो जाते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बातें नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैबेज एंड कॉलीफ्लावर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, यानी कि पत्ता गोभी और फूल गोभी किस फैमिली से प्राप्त किए जाते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कैबेज यानी पत्ता गोभी और फूल गोभी जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ब्रैसिकेसी फैमिली से। किससे? ब्रैसिकेसी फैमिली से कैबेज और कॉलीफ्लावर जो है बिलोंग करते हैं। ओके, इन क्वेश्चन का PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। पांच जगतीय प्रणाली में जो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है उन्हें किस में रखा गया है, तो उन्हें रखा गया है किसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि मोनेरा में। किसमें? जो ग्रीन एल्गी होते हैं उन्हें मोनेरा में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बाइसेक्चुअल फ्लावर विच नेवर ओपन्स इन इट्स लाइफ स्पान, यानी एक द्विलिंगी पौधा जो अपने जीवन काल में कभी भी खिलता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है, ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं और इनकी इस प्रॉपर्टी को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए स्टील विद पिथ एंड फ्लोएम लेयर इज सिचुएटेड ऑन द आउटर फेस ऑफ जाइलम इज कॉल्ड, यानी कि एक मज्जा सहित रंभ जिसमें फ्लोएम सतह जाइलम के बाहरी ओर स्थित होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर उसको हम बोलते हैं क्या, थर्ड यानी कि एक्टोफोलिक सिफ्नोस्टील। क्या बोलते हैं? एक्टोफोलिक सिफ्नोस्टील बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि टर्पेंटाइन इज ऑप्टेन फ्रॉम, टर्पेंटाइन किससे प्राप्त कहते हैं, तो टर्पेंटाइन जो है प्राप्त कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक वुड से, यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से, जैसे कि पाइनस हो गया, ठीक है। पाइनस यानी कि चीड़ का पेड़, ये एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फर्क क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप मुझे कॉमेंट में जाके बताएंगे तो मैं आपको फिर बता दूंगा। इस वीडियो में फटाफट से आपको क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको समझ में आई आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं, उन पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड जीन्स आर फाउंड इन, यानी अधिकांश लिंग संलग्न जीन पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं किसमें, एक्स और वाई क्रोमोजोम में, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि एक्स और वाई क्रोमोजोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल फीड्स आर रिच इन, जो आधारीय खाद्य पदार्थ होते हैं वो किसमें, उनमें अधिकता किसकी होती है, तो उनमें किसकी अधिकता होती है, एनर्जी की, उनमें ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन ब्रीडिंग मेथड ऑफ सेलेक्शन इन ब्रॉयलर ब्रीडिंग, ब्रॉयलर प्रजनन में चयन प्रक्रिया या चयन की प्रचलित प्रजनन विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि मास सेलेक्शन। क्या? बहुसंख्यक चयन। मास सेलेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे जो ब्रॉयलर हैं उनमें से हम उन ब्रॉयलर का चूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिनसे अच्छी मीट मिलती है, जिनके एग जो है अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसको बोलते हैं मास सेलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन कि इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ईज ड्यूरिंग 3 to 4 weeks प्रायोर टू मेल्टिंग इज नोन एज, यानी कि मादा भेड़ों में प्रजनन के 3 से 4 सप्ताह पहले उनके पोषणिक अवस्था को अच्छा कर, क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि उसको हम बोलते हैं फ्लसिंग। क्या बोलते हैं? फ्लसिंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखना आपको। मादा भेड़ों में यानी कि इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ईज ड्यूरिंग 3 to 4 weeks प्रायर टू मेटिंग इज नोन एज, इसको बोलते हैं फ्लसिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ F1 जनरेशन इज एग्जैक्टली इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगस पेरेंट्स इट इज नोन एज, यदि दो होमोजाइगस माता पिता के बीच एक F1 जनरेशन
यथावत मध्य का हो तो इसे माना जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यानी अगर एफ1 जनरेशन के बाद कोई जो है कोई ऑफस्प्रिंग बीज की हो जाए, ना तो वो लंबा हो ना तो ड्वार्फ यानी बीज की साइज का हो, तो इस प्रॉपर्टी को कोडोमिनेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोड ट्रांसफर ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। पॉलीपेप्टाइड निर्माण के समय कोड हस्तांतरण का सही क्रम निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोड ट्रांसफर पॉलीपेप्टाइड चेन का सही सीक्वेंस होता है सबसे पहले डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और एमिनो एसिड। डीएनए से एमआरएनए को मैसेज जाते हैं, एमआरएनए से ट्रांसफर होता है मैसेज और किस फॉर्म में होता है, एमिनो एसिड की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कैन बी एज्यूम्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स एमंग ऑल इंडिविजुअल्स इज गिवन बाय। यदि हार्डी वेनबर्ग तुल्यभारिता की कल्पना की जाए तो सभी व्यक्तियों में हेट्रोजाइगोट्स की आवृत्ति होती है, क्या होती है, 2q1-q होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन कि विद ग्रेजिंग एनिमल्स ऑन पेस्ट्यूर्स द डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशियंट ऑफ डीएम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिटरमाइंड इनडायरेक्टली बाई यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंडिकेटर। चारागाह पर चराई करने वाले पशुओं में शुष्क पदार्थ एवं अन्य पोषक तत्वों का पाचक गुणांक अपरोक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का उपयोग किया जाता है, तो किसका यूज करते हैं, वो करते हैं हम क्रोमियम के ऑक्साइड का, यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी इफेक्ट ऑफ सेलेक्शन इन ए पॉपुलेशन इज टू, किसी भी जनसंख्या में चयन का प्राथमिक प्रभाव है क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि इंक्रीज द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल जीन्स, वांछित जीन के आवृत्ति में बढ़ोतरी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ट क्रॉप ऑफ सिलेज मेकिंग इज साइलेज। साइलेज मेकिंग के लिए उत्तम चारा फसल कौन सी है, तो साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, ऑप्शन नंबर फी कौन सी है, सोरगम यानी कि ज्वार की फसल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द पीएच वैल्यू ऑफ गुड साइलेज वुड शुड रेंज, यानी एक अच्छे साइलेज क्रॉप यानी क्रॉप का जो पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कितना, 3.7 से 4.2 के बीच, यानी 3.7 से 4.2 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एबंडेंट फैटी एसिड इन मीट फैट, मांस वसा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वसीय अम्ल कौन सा है, तो वो है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सेकंड यानी ओलिक एसिड, जो मीट होता है उसमें ओलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हर्टिबिलिटी इन डेयरी कैटल पॉपुलेशन इज, दुधारू गोवंशीय जनसंख्या में हेरिटेबिलिटी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है, वह है कौन, हाफ सिव की, कौन सी, अर्ध संगोत्र की हाफ सिव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रूड प्रोटीन कंटेंट इन फीड स्टेप्स इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द नाइट्रोजन कंटेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। पशु खाद्य पदार्थों में फूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा को निम्न में से किस एक गुणक द्वारा गुणा किया जाता है, तो उसे क्या जाता है, किसके द्वारा, 6.25 के द्वारा, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें मिलता है हमें, वो हमें रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंटीबायोटिक आर नोन टू स्टिम्युलेट द ग्रोथ ऑफ पिक्स व्हेन एडेड इन दियर फीड बाय सुकर बोलते हैं सुअर को। ठीक है, सुकरों के आहार में एंटीबायोटिक मिलाने में भार वृद्धि दर में प्रोत्साहन होता है,
क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है, सभी के द्वारा, यानी इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये भी है, इंक्रीजिंग द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज द ग्रोथ फैक्टर, ये भी है, और इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मुझे अभी बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, तो देखते हैं कि इसमें क्या आंसर सही है। मेरे हिसाब से तो इसमें 4 होना चाहिए, इसको आप जरा अभी रहने दें, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट में जाके बताएं कि क्या इसमें संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉन्ग पेंडुलस ईयर्स एंड रोमन नोज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोट ब्रीड्स, लंबी नटकता हुआ कान, रोमन नाक, निम्न में से किस बकरी प्रजाति के लक्षण हैं? तो वे कौन सी हैं? वो हैं जमुनापुरी। कौन सा? जमुनापुरी बकरी की वो प्रजाति है जिसका जो कान है लंबा होता है, ठीक है, और नाक का साइज थोड़ा अलग होता है। तो यहां से आपको दो बातें मिलती है कि जमुनापुरी किसकी प्रजाति है, वो स्पीसीज है किसकी? बकरी की, गोट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटर्जेंट सिस्टम ऑफ पैट्रियोटिक फाइबर इन एनिमल्स फीड्स वॉज इवॉल्व्ड बाय, पशु खाद्य पदार्थों में रेशों यानी फाइबर को विभाजित करने के लिए डिटर्जेंट पद्धति को विकसित किया था, तो किसने विकसित किया था? वो किया था वॉन सोस्ट के द्वारा। किसने किया था? वैन सोस्ट या वॉन सोस्ट के द्वारा ये डेवलप किया गया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अपियर्स इन पिक्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पैथोजेनिक एसिड इज नोन एज, सुकर, बार बार बोल रहा हूँ, सुकर बोलते हैं सुअर को, सुअरों में पैथोजेनिक अम्ल की कमी से एक विलक्षण दिखाई देता है जिसे कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी, गूज स्टेपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गूज स्टेपिंग उसको कहा जाता है, हंस चाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रीड ऑफ बफेलो डेवलप बाय क्रॉसिंग मुर्रा एंड सुरती ब्रीड्स, यानी कि भैंसों की नस्ल जो मुर्रा एवं सुरती नस्ल के संकरण से प्राप्त की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है क्या? ऑप्शन नंबर 3, मेहसाना। क्या बोलते हैं? मेहसाना ब्रीड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनर इन विच मिल्क इज सेक्रेटेड फ्रॉम मेमोरी एल्वोलियर सेल, स्तन के एल्वोलियस कोशिकाओं से दुग्ध श्रावण की रीति को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर 1, एपोकाइन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्या बोलते हैं? एपोकाइन कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट काउ, एक वयस्क गाय के लिए फर्श जगह की आवश्यकता, यानी वयस्क गाय के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, यानी कितनी जगह से वो अच्छा, उसमें उसका लाइफ अच्छा हो जाएगा, यानी कितनी जगह एक गाय के लिए सही है रहने के लिए, तो कितनी है? ऑप्शन नंबर 2, 28 से लेकर 30 स्क्वायर फीट गाय के लिए जो है रहने के लिए ठीक ठाक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काउ वेइंग 400 kg एंड यील्डिंग 10 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली विल ईट ऑन एन एवरेज ऑफ ड्राई मैटर, यानी कि एक गाय है जिसका वेट 400 kg है और वो एक दिन में 10 लीटर दूध देती है, तो उसको कितने ग्राम जो है शुष्क, यानी कितने ग्राम खाना खाना चाहिए एक दिन में? तो कितने ग्राम खाना चाहिए? 10 kg इसके लिए जो है एक अच्छी डाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच प्रिवेंट स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट एंड एड्स इन मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी इज, नर जननांगों में शुक्राणु को अम्ले प्रभाव से बचाता है तथा उनकी गति में, गति एवं जनन क्षमता में सहायता करता है, वो कौन सा पार्ट है जो ऐसा करता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर जो 4 है, सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल वेसिकल्स है वो ऐसा करता है, ठीक है। ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को एसिडिक इफेक्ट से बचाता है, उनको बचाता है तथा उसकी जनन क्षमता में सहायता भी करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सूट्स बेटर टू रिमूव एक्टोपैरासाइट इन ए फ्लॉक ऑफ सीप, बाह्य परजीवियों को भेड़ों के झुंडों से हटाने के लिए उनमें से कौन सी विधि अच्छी है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट यानी जो बाह्य परजीवी होते हैं
उनको भेड़ों को झुंडों से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि डिपिंग मेथड, डुबाना, डिपिंग मेथड उनके लिए जो है सबसे अच्छी है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट में जाके बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज गेस्टेशन पीरियड एज 3 मंथ 3 वीक्स एंड 3 डेज? निम्नलिखित पशुओं की जाति में से किसका गर्भकाल, प्रेगनेंसी पीरियड 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो स्वाइन यानी कि जो सुगर होता है, सुगर यानी कि जो सुअर होता है उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 3 महीने 3 वीक्स और कितने दिन का, 3 डेज का होता है। तो आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे करीब करीब कितने दिन हो गए ये, फिर 3 महीने प्लस 3 वीक प्लस 3 डेज, ये करीब करीब टोटल कितने दिन हो गए इसका आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर PFA रूल्स द मिनिमम फैट परसेंट इन डबल टोन्ड मिल्क सूड, यानी कि PFA एक भारत का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिल्क की क्वांटिटी को देखता है, कितनी क्वांटिटी उसमें कितना फैट कितनी एनर्जी होनी चाहिए, उसके अनुसार मिनिमम फैट परसेंटेज इन डबल टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क में फैट की परसेंटेज कितना परसेंटेज फैट होना चाहिए मिनिमम? तो करेक्ट आंसर है इसका करीब करीब 1.5, यानी 1.5% फैट जो है डबल टोन्ड मिल्क में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरो टिलेज इज कॉन्फिंड अप टू, शून्य जुताई या जीरो टिलेज यहां तक सीमित है, तो जीरो टिलेज इज कन्फ्यूम्ड अप टू, तो ये कहां तक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑपरेटिंग फरो ओनली, इसमें ये भी ट्रू है, इसमें सभी जो है ट्रू हैं। ठीक है, क्या है, सभी ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 bar = 1 bar, बार आपको बताया कि प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है, दाब को मापने की इकाई होती है, तो 1 bar किसके बराबर होता है? तो 0.1 MPa के बराबर भी होता है, 1023 cm वाटर हाइट कॉलम के बराबर भी होता है, 10^3 Pa के बराबर भी होता है। ठीक है, 1 bar जो है 10^3 Pa के बराबर भी होता है, अगर आप केमिस्ट्री आपने थोड़ी सी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो इसमें तीनों आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एग्जाम में आपको 1 bar में ये भी दे सकते हैं 0.1 MPa, ठीक है, और 10^3 Pa भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 4th ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया इन इंडिया इज अंडर सॉइल, भारत में अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में अधिकांश क्षेत्र में जो है वो एल्वोइल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ कल्टीवेटेड सोरगम, खेती के लिए किए जाने वाले ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? ऑप्शन नंबर 2 सोरगम बायोकोलर, क्या? सोरगम बायोकोलर जो है ज्वार का, मक्का जो ज्वार होता है उसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टर थेरा इकाइनोटा इज, ये क्या है? तो अल्टर थोना इकाइनोटा एक बाई एनुअल वीड होती है, द्विवार्षिक खरपतवार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ मिनिमम कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय, न्यूनतम नियम, लॉ ऑफ मिनिमम कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था, ये किया था? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जे वी लिविंग ने जो है लॉ ऑफ मिनिमम कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट इज, गेहूं में सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था है, तो कौन सी अवस्था है? सी आर आई स्टेज को गेहूं में क्रांतिक अवस्था कहते हैं सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सेस इन, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम सल्फेट की अधिकता होती है किसमें? तो वो होती है किसमें? सेलाइन मृदा में, किसमें? जो लवणीय मृदा होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं क्योंकि ये सॉल्ट होते हैं, और आपको पता है कि सेलाइन मृदा वो होती है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की फोटोपीरियोडिज्म इज, दीप्तकालिता क्या है? तो फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट और डार्क ऑन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स, यानी कि जब किसी प्लांट को बहुत लंबे टाइम तक जो है
उसमें लाइट में या फिर लाइट से दूर रखा जाता है तो उसमें जो फ्लावरिंग होती है उसी को फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, कि फिजियोलॉजिकता अथवा फूल बनाने के पर प्रकाश या अंधकार की प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट ऑर्गन्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड। पौधों की अपसामान्य अंग वृद्धि जो कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि पर आधारित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्शन नंबर जो है सी, क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया। क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए कि एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट ऑर्गन्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड बोलते हैं। ठीक है, पौधों की असामान्य अंग वृद्धि जो कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि पर आधारित होती है उसे हम हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का एग्जांपल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है IBA वो उसको हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, बाकी मार्फिन, जिटिन और सुपिन ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ मेल बर्ड इन बनाना इज टेक्निकली कॉल्ड, केले में पुरुष कली को हटाने को टेक्निकली क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ डिनोवेलिंग। क्या बोलते हैं, डिनोवेलिंग कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली सोइंग इन चिक पी इज डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द अटैक ऑफ, चने में अगेती बुआई फसल को कीट से बचाव के लिए लाभदायक होती है, तो किस कीट से, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हेलिकोवेरा आर्मीजेरा, हेलिकोवोरपा यानी हेलिकोवोरपा आर्मीजेरा से बचाव के लिए ऐसा क्या आता है, नाम थोड़ा अजीब है, धैर्य रखें थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट मटेरियल डिपॉजिटेड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, गुरुत्व के द्वारा निक्षेपित पैतृक पदार्थ कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड उसको बोलते हैं कोलिवियम सेल। क्या बोलते हैं, कोलिवियम मलवा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड सो फ्लाई बिलोंग टू ऑर्डर, सरसों में लगने वाला आरा मक्खी कीट इनमें से किस जो है ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो करता है कौन से, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइमेनोपटेरा, किसमें, हाइमेनोपटेरा से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है, याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस येलो स्टेम बॉर्डर बोरर, धान के पीला तना छेदक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है क्या है, स्किरपेफको इंसर्टुलस, स्किरपेफको इंसर्टुलस इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। और 949 क्वेश्चन, कि ए हुक लाइक आउटर लोब ऑन द मैक्सिली इन इंसेक्ट, कीटों में मैक्सिली पर हुक के समान बाहरी संरचना को क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्लोसिस। क्या बोलते हैं, पैराग्लोसिया, पैराग्लोसिस कहा जाता है, पैराग्लोसी यहाँ पे लिखा हुआ है, पैराग्लोसी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन है कि फंगस एल्ब्यूगो कैंडिडा कॉजेज, कवक एल्ब्यूगो कैंडिडा से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर थ्री बी गेहूं का वाइट रस्ट रोग इससे होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सफ़ेद रतुआ गेहूं का वाइट रस्ट रोग इससे होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, बहुत ही जल्द आपके बीच आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब तक इसमें 500 लाइक नहीं, मैंने वो तब तक आप, मैं उसको तैयारी करता हूं, उसको मैंने पेपर तो मेरे पास है ही, बस थोड़ा सा उसमें शूटिंग का वो वीडियो शूट करना है बस, बाकी तैयार है ही। तो वीडियो कैसी लगी आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और पढ़ाई आप कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।